businesses have grown. So on behalf of Indian Pharma Machine Manufacturing Association, which is IPMA, I represent them here and I congratulate Team UBM and wish them best of luck. IPMA, we have always believed that, you know, UBM is one of the companies wherein the shows are organized in such a way that you can expect good returns, and they have become and grown better and better year on year. This show of course was here in Hyderabad, and we were all glad when they said that we are moving this show to Mumbai, because PMAC CPHI for obvious reasons has moved to Delhi, and it was a fantastic show as all of us know, and we are all looking forward to, you know, the show in this winter in Delhi. On behalf of all of us exhibitors, I would tell Mr. Mudras that all of us are making new machines so that we can introduce that in PMAC. I'm sure many of us, we introduce lot of new equipments from PMAC to PMAC. And of course, we have also got in our company's best product as of now in Pharmalytica, because when it is about UBM, we all know that the entire arrangements, including the customers, footfall and everything will be taken care of in the best possible way. क्या फार्मा इंडस्ट्री के लिए शो है जो हमने यहाँ पे लाया? ये इनफैक्ट इंडस्ट्री हमको जानती है मुंबई में CPHI VMAC शो के लिए, जो हम लोग यहाँ पे करते थे 10-11 साल से. ये शो हमने दिल्ली में मूव किया, और हमने ये जो फार्मालिटी का शो जो हैदराबाद में करते थे, जो अभी ग्रो हो के अभी साउथ से लेके साउथ एंड वेस्ट रीजन का शो हुआ है, वो हमने यहाँ पे लाया है, पहली बार लाया है. ये 6th एडिशन शो का है, एंड वी आर हैप्पी टू सी क्या रिस्पांस मिला है. 300 से ज़्यादा कंपनीज़ अलग अलग वर्ल्ड वाइड से आई हुई है, बीट फ्रॉम US, UK, चाइना, जापान, अलग अलग कंट्री से एग्जिबिटर्स है. आपको सारा फार्मा इंडस्ट्री के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट्स, लैब इक्विपमेंट्स सब देखने मिलेंगी. अभी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 10,000 से ज़्यादा B2B बायर्स जो एक्सपेक्टेड है. तीन दिन का शो है ओनली फॉर फार्मा इंडस्ट्री. सो एनीबडी हु इज़ कनेक्टेड विद फार्मा इंडस्ट्री, प्लीज़ बेनिफिट लीजिए, विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी और नॉलेज देखने मिलेगा. सी, हमने ये शो पहली बार लाया, बट फार्मा इंडस्ट्री के लिए हम लोग CPHI में यहाँ पे 11 साल से करते थे. अभी वो शो ग्रो होके यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए हम लोग दिल्ली गए हैं. बट इंडस्ट्री तो फार्मा इंडस्ट्री का हब तो मुंबई है, वेस्टर्न इंडिया है. यहाँ पे आप देखो, मुंबई हो या गुजरात हो या साउथ हो, ये सारा इंडस्ट्री यहाँ पे पास में है. सो इसीलिए ये इंडस्ट्री से कनेक्ट होने के लिए, वी वांट टू स्टे कनेक्टेड विद इंडस्ट्री, ये पूरा शो यहाँ पे लाया है. आई थिंक द ग्रोथ इज़ बिन फैबुलस जो यहाँ पे है. इंडस्ट्री तो यहाँ से ही, ये दिस इज़ द आई वुड से द क्रेडल ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री. सो हैप्पी टू बी एब्सोल्युटली. आई एम सो प्लीज़, इंडस्ट्री ने हमको सपोर्ट किया है हमारे सारे इनिशिएटिव्स में. ये इनिशिएटिव भी, ये भी बहुत बड़ा मूव है हमारे लिए, जो हैदराबाद से हम लोग मुंबई लेके आए. जैसे लास्ट ईयर हमने जो मुंबई से दिल्ली CPHI लेके गए थे, बहुत हमको हमेशा फार्मा इंडस्ट्री का हो, एसोसिएशन हो, सबका, पूरे एग्जिबिटर्स का सारा ट्रस्ट और सपोर्ट मिला है. सो वेरी प्लीज, एंड वी आर ऑनर्ड विद योर सपोर्ट, एंड हम लोग ऐसे ही आपके सपोर्ट को ट्रू करते रहेंगे. विल कीप ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए. डेफिनेटली आई थिंक एज आई सेड, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच वी हैव क्रिएटेड फॉर द फार्मा इंडस्ट्री. ये आपको सारे नए टेक्नोलॉजी, सारे नए मशीन, लैब इक्विपमेंट सारे देखने मिलेंगे. पहली बार API जोन हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो प्लीज़ बेनिफिट लीजिए. आई थिंक सी वॉट इज़ देयर, एंड बहुत सारे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे. B2B मीटिंग्स हो रहे हैं, अरे यहाँ नेटवर्किंग इवनिंग है कल. सो प्लीज़, मशीनरी सेगमेंट्स, ऑल्सो द फार्मा पैकेजिंग सेक्टर. I would say, as we all know, by 2020, India is likely to be among the top three pharmaceutical markets by incremental growth and sixth largest marketplace in absolute size. The pharma companies are making tremendous efforts to discover new drugs, increasing R&D expenditure, implementing technologies and introducing new methodologies and improve quality of manufacturing. Within this market, analytical, biotechnology, lab equipment, pharma machinery and pharma packaging sectors in India are set to amplify, going to the quality research, regulatory and environmental practices that we have here in India. Therefore, the need of the hour for the Indian pharma players is to achieve maximum efficiency from the potential of today's landscape with better products and service offerings. At Pharmalytica, the show we are here today, every participant gets an opportunity to pick up on the latest industry trends and innovations, as well as network with the pharma business community, offering each other a value proposition, a very important value proposition in the region of India. This year, the edition has witnessed some special pavilions dedicated to pharma machinery. For the first time, in fact, after bringing the show to Mumbai, we are in fact created pavilions, be it the pharma machinery pavilion, the packaging pavilion, lab analytical and clean room pavilion, API and excipients pavilion, which we have introduced for the first time here at this show.
Among the other notable showcases, we have India's top academic institution, IIT Powai, Mumbai, which will be exhibiting its state-of-the-art analytical lab, the sophisticated analytical instrument facility, SAIF, which will be here, which has been showcased right here outside this conference area. Besides that, we also have a special three-hour workshop on role and commitment of GMP, the Good Manufacturing Practices in Pharma, being conducted by SGS Academy, which will happen today in the afternoon here.